हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक डिटेल रिव्यू देने वाली हूँ ऑफ मैकबुक एयर M1 चिप 2020 मॉडल। ये वाला जो वेरिएंट है वो 8GB यूनिफाइड मेमोरी है विद LED ब्लैकलाइट डिस्प्ले विद ट्रू टोन टेक्नोलॉजी। इसका जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.8 पाउंड्स है, जो कि है 1.29 kgs। एंड इसमें बहुत ही सुंदर फुल साइज ब्लैकलाइट मैजिक कीबोर्ड भी है और इसमें 2 थंडरबोल्ट्स भी दिए गए हैं। सो ओवरऑल ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा स्लीक है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सो अब इसको ओपन करते हैं। सो जैसे ही आप लैपटॉप खोलते हो तो एक बहुत ही सुंदर वाइब्रेंट सा इनका एक वॉलपेपर है, काफ़ी सुंदर है। और नीचे पूरा एक डॉक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी एप्पल की एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला है फाइंडर, उसके बाद आता है लॉन्च पैड जहाँ पे सारी आपकी एप्लीकेशंस जो भी लैपटॉप के अंदर है वो सारी आपको दिखेंगी, और जो भी आपको iOS के अंदर एप्लीकेशंस मिलती हैं बेसिक वो सारी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। इनकी सेटिंग्स में भी काफ़ी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे कि टच पैड हो गया, सो आप उसकी पूरी सेटिंग्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सारे चेंज कर सकते हो। और आप यहाँ पे अपना स्क्रीन टाइम, टच आईडी, नोटिफिकेशन, टच आईडी, अगर आपके पास माउस है एक्स्ट्रा तो वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, एंड बाकी और सारी चीज़ें सेटिंग्स में आपको मिल जाएंगी। सो बिकॉज ऑफ M1 चिप जो इसके अंदर है, उसके वजह से ये जो लैपटॉप है इसमें एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। सो जो M1 चिप है वो एप्पल वालों ने खुद बनाई थी, जो पहले वो अपने iPads में यूज़ करते थे, बट उन्होंने अब अपने लैपटॉप्स में भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब हम इसकी साउंड क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी चेक करते हैं कि ये एक्चुअली में इसके ट्रू टोन्स दिखाते हैं या नहीं दिखाते। सो मैं अपना ही चैनल सर्च कर रही हूँ, लेट्स मेक इट ईजी, और उसके अंदर मैं आपको एक वीडियो चला के दिखाती हूँ। सो इसकी साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। मेक श्योर करना कि आप नीचे जो लाल बटन है उस पर क्लिक कर ले और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, एंड मेक श्योर करना कि आप नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें, एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। सो मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी इसके अंदर, एंड दैट इज़ कि अगर मुझे बहुत जल्दी कहीं जाना है बट शट डाउन का टाइम नहीं है, सो मैं सिर्फ इस लैपटॉप को ऐसे ही क्लोज कर दूँ, एंड मैं जब ऐसे ही इस लैपटॉप को ऑन करूँगी तो जो भी मेरा काम है वो बिल्कुल वैसा का वैसा मुझे दिख जाएगा, जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं पे मेरे को दिख जाएगा। इसमें टच आईडी भी है, एंड ट्रस्ट मी इसका जो टच आईडी है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आपका फिंगरप्रिंट रीड करता है एंड लैपटॉप को ओपन कर देता है। सो मैक के साथ एक इनबिल्ट एप्लीकेशन आती है, दैट इज़ iMovies, जो हर एक मैक के साथ मिलती ही मिलती है। इसमें मुझे काफ़ी सारे फीचर्स मिले जो मुझे पुराने अपने विंडोज़ के सॉफ्टवेयर में नहीं मिले थे, और मे बी मुझे पे करके लेने पड़ते। सो मैं अपनी किसी भी फ़ोटो को ओवरलेयर कर सकती हूँ, ग्रीन स्क्रीन लगा सकती हूँ, एंड डिवाइड कर सकती हूँ स्क्रीन को, अगर मुझे एक साइड पे वीडियो चाहिए एक साइड पे फ़ोटो चाहिए। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्कोप दे रहा है ऑफ एडिटिंग इन अ मोर क्रिएटिव वे, एंड ऑल्सो कि जो इसमें सेव करने का जो स्पीड होता है वो भी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज इसके अंदर एप्पल की M1 चिप है। सो इससे स्पीड जो है काम करने की वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो रही है मेरे लिए, एंड दैट इज़ सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। एंड जो मैं वीडियो भी एडिट कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है देन मेक श्योर कि आप वो देख लें, क्योंकि ये ऑलरेडी अपलोडेड है। ये इसी मैकबुक का अनबॉक्सिंग वीडियो है, देन मेक श्योर कि आप लोग देख लें उस वीडियो को।
मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी। सो जो इनका टच पैड है वो मीडियम साइज़ का है, अगर हम बाकी मैक के लैपटॉप्स देखें तो उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली यही साइज़ मिलेगा आपको, बट मीडियम साइज़ है, अच्छा साइज़ है। और अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ की बात करूँ तो अभी जो मैं शूट कर रही तो इसमें है 14% बैटरी, एंड ये मुझे बहुत आराम से 1 आवर तक लास्ट कर जाएगी। यहाँ पे एक बात है कि अगर मैं iOS या एप्पल वालों की एप्लीकेशन यूज़ करूँगी तो बहुत कम मेरी बैटरी जाएगी, बट अगर मैं वो वाली एप्लीकेशन यूज़ करूँगी जो मैंने शायद डाउनलोड करी हैं तो उससे मेरी बैटरी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। बट स्टिल, क्योंकि मैं पूरा दिन लैपटॉप को खोल के रखती हूँ, यूज़ करती रहती हूँ, तो उसके बाद भी ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा लास्ट लॉन्ग कर जाती है। जहाँ तक बात करें वेबकैम की, तो यहाँ पे 720p की हमें मिल रही है पिक्सल्स, जो कि ठीक है, सही है, बट आई फील कि और अच्छी हो सकती थी बिकॉज वी आर पेइंग 92,900 फॉर दिस लैपटॉप, सो वाई नॉट। सो मुझे एक दो हफ्ते हो गए इस लैपटॉप को चलाते हुए, एंड बिकॉज मेरे पास इससे पहले विंडोज़ का लैपटॉप था सो काफ़ी सारे फीचर्स मेरे को नहीं आते थे। अगर आप भी मेरे जैसे फर्स्ट टाइम यूज़र हैं फॉर दिस मैक, देन आपको शायद ये कीवर्ड्स हेल्प कर सकते हैं। सो स्क्रीनशॉट लेने के लिए वी जस्ट हैव टू क्लिक शिफ्ट कमांड एंड 3, सो ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा, एंड देन अगर मुझे कॉपी करना है किसी भी टेक्स्ट को तो मुझे बस हाईलाइट करना है, एंड आई जस्ट हैव टू क्लिक कमांड एंड C, तो वो कॉपी हो जाएगा, एंड अगर पेस्ट करना है तो मेरे को सिर्फ कमांड एंड V करना है तो वो पेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर मुझे एक नया टैब खोलना है तो मैं सिर्फ कमांड और T करूँगी तो मेरा एक न्यू टैब खुल जाएगा। सो आई होप आपको ये छोटे मोटे कमांड्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपको हेल्प करें अगर आप फर्स्ट टाइम ये मैक यूज़ कर रहे हैं तो। एंड जैसे कि आपकी स्क्रीन है और उस पर कोई भी पिक्चर है या आपको कुछ भी डिलीट करनी है, जस्ट ड्रैग इट टू द रिसाइकल बिन एंड वो सीधा डिलीट हो जाएगी, एंड आप बाद में अपना रिसाइकल बिन एम्प्टी कर सकते हो। सो ओवरऑल मेरा अभी तक एक्सपीरियंस मैक के साथ काफ़ी अच्छा रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करने में, एंड स्पेसिफिकली वीडियोज़ देखने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स गुड पिक्चर क्वालिटी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो।